क्या आप चाहते हो कि लोग आपको दबाकर भाव दें, आपकी जी हुजूरी करें, आप जो बोलो मान जाएं और आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहें? अगर आप चाहते हो कि हर कोई आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू करे, आपकी जी हुजूरी करे, आपके पीछे पागल रहे, 48 लॉज ऑफ पावर बुक में से 5 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे ये पॉसिबल होगा। नंबर 1, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचे। वैल्यू इन्फ्लुएंस होता है अटेंशन से। सबसे ज्यादा वैल्यू वही गेन करता है जो सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब करता है। यानी जितना ज्यादा लोगों का फोकस आप पर शिफ्ट होगा, जितना ज्यादा लोग आप पर अटेंशन देंगे, उतना ज्यादा आपको वैल्यू मिलेगी। इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ रेडबुल का। रेडबुल ने हमेशा ऐसे यंग लोगों को टारगेट किया जो पार्टी और एडवेंचर करना बहुत ज्यादा पसंद करते थे, और इन लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए रेडबुल ने कई सारे मार्केटिंग टेक्निक्स अपनाए। ये रेडबुल वाले स्कूल, कॉलेज, जिम के आगे बड़ी सी गाड़ी लगा देते थे हमेशा, और उसमें बहुत सारे रेडबुल के कैंस भरे हुए होते थे। उसके साथ साथ हर जगह रेडबुल के कैंस फिकवा दिए, जगह जगह पर। लोग जहां भी जाते सिर्फ रेडबुल के कैंस देखते हर जगह, और ये चीज उनका अटेंशन बहुत ज्यादा ग्रैब कर रहा था। और एक टाइम ऐसा आया जब लोगों को लगने लगा कि यार रेडबुल तो बहुत ज्यादा बिक रहा है। रेडबुल की खाली कैंस हर जगह लोगों को दिखने की वजह से उन्हें लगा कि रेडबुल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लोग इसे बहुत ज्यादा पीते हैं, जिससे उसकी सेल रातों रात बढ़ गई, और इस तरह लोगों की नजर में वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बन गया। अगर आपको भी अपना मूल्य बढ़ाना है तो सबसे पहले लोगों का अटेंशन ग्रैब करना शुरू करो। लोगों का अटेंशन खींचने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा दोस्त बना सकते हो और ज्यादा से ज्यादा कनेक्शंस बना सकते हो। जब लोग देखेंगे कि इतने लोग इससे प्यार करते हैं, इसके इतने सारे कनेक्शंस हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी वैल्यू लोगों की नजर में बढ़ जाएगी। उन्हें लगेगा आपके अंदर कुछ तो बात है। पॉइंट नंबर 2, लोगों को अपनी तरफ खींचें। वैल्यू गेन करने के लिए लोगों का आपकी तरफ अट्रैक्ट होना अति आवश्यक होता है, जिसके लिए आपका आउटर अपीयरेंस मैटर करता है। ब्राजीलियन ब्रांड बेटावो एक बैट मिल्क बनाता है जो कि काफी अच्छा होता है। ये बेसिकली एक योगर्ट होता है जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है, लेकिन फिर भी लोग इसे पसंद नहीं करते खरीदना। पता है क्यों? क्योंकि इसका आउटर अपीयरेंस जो है, नाम इसका बैट मिल्क है। बैट मीन्स क्या होता है? चमगादड़। लोगों को लगता है कि एक बैट मिल्क है, जिस वजह से लोग इसे बाय नहीं करते, बट इसके ब्रांड बेटावो की वजह से इसका नाम बैट मिल्क पड़ा। तो आप जान सकते हो कि आउटर अपीयरेंस कितना ज्यादा मैटर करता है। दिस इज द एग्जाम्पल जिससे आप समझ सकते हो, लोग आपसे तभी अट्रैक्ट होंगे जब आपका आउटर पर्सनैलिटी सही होगा। आउटर पर्सनैलिटी में 3 चीज आते हैं, पहला लुक, दूसरा टॉकिंग सेंस, और तीसरा सोशल मीडिया फॉलोअर्स। यस, आज के टाइम में लड़कियां आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स देखकर अट्रैक्ट हो जाती हैं और आपसे बात भी करने लगती हैं। ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स होने की वजह से ज्यादा इज्जत मिलती है और ज्यादा ब्रांड डील से पैसे भी मिलते हैं। इसलिए आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा वेबसाइट जिसका नाम है IndianSMMReseller.com। यहां से आप रियल फॉलोअर्स बाय कर सकते हो। इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, उसके बाद आपको साइन अप पर जाना है एंड आपका अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको मनी डिपॉजिट करना है एंड आप मिनिमम 100 रुपए भी कर सकते हो। उसके बाद आपको फॉलोअर्स का ऑर्डर लगाना है एंड फॉलोअर्स ऑर्डर करना है। अगर आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए इसके बारे में तो एक वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लो, आपको पूरा पता चल जाएगा इस वेबसाइट को कैसे यूज करना है। वेट, बाय द वे, ये रिस्की भी हो सकता है, तो ये अपने रिस्क पर करें और मिनिमम डिपॉजिट के साथ करें अगर करना भी है तो। तो वेबसाइट और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर टू चेक आउट। दोबारा आते हैं अपने टॉपिक पर। जब आपकी लुक्स और बात करने की कला भी पावरफुल होती है तो लोग आपसे यूं ही अट्रैक्ट होने लगते हैं। और खतरनाक लुक्स बनाने के लिए, हैंडसम दिखने के लिए आप नो फैप फॉलो कर सकते हो। डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा हैंडसम दिखोगे। उसके साथ साथ अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल सुधारना है तो उसके कोर्स कर लो या फिर हमारे फ्री के वीडियोस देखते रहो। थर्ड, लोगों को अपने ऊपर निर्भर करना सीखो। अगर आपको अपनी वैल्यू करवानी है लोगों से तो लोगों को अपने ऊपर डिपेंड करना सीखो। अगर लोग आपके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो झक मार कर आपकी वैल्यू करेंगे। एग्जाम्पल के लिए चाइना पहले छोटे छोटे कंट्रीज को बहुत सारा सपोर्ट देता है उनके डेवलपमेंट के लिए। इस सपोर्ट में बहुत बड़े अमाउंट में उनके जरूरत के हिसाब से चीजें होती है, जैसे कि फूड रिजर्व, मनी, मिलिट्री। ये एक कर्ज के रूप में होता है और जाहिर सी बात है वो छोटे देश हैं, वो चुका नहीं पाएंगे। और इसके बाद चाइना उनसे जो चाहे मनवाता है, जो चाहे करवाता है। तो इस तरह चाइना ग्रो करता जा रहा है। यही ट्रिक आप भी फॉलो कर सकती हो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए और लोगों को अपने अंदर रखने के लिए। सबसे पहले देखो सामने वाले को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। उस चीज को अगर आप पूरा कर देते हो
तो वो आप पे सबसे ज्यादा डिपेंड हो जाएगा। अगर कोई कमजोर इंसान है उसे प्रोटेक्शन दो, प्रॉब्लम में है सॉल्यूशन दो, अमीर है उसे लॉयल्टी दो। इंसान को तुम्हें वो चीज देना है जिसे उसे सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है, और ये तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम उससे बात करोगे। तुम्हें नोटिस करना है कि उसे किस चीज की जरूरत है। पॉइंट नंबर 4, वैल्यू बढ़ाने के लिए एब्सेंस का इस्तेमाल करें। जितना ज्यादा आप लोगों के साथ अवेलेबल रहोगे, जितना ज्यादा आप देखे जाओगे, जितना ज्यादा आप सुने जाओगे, उतना ज्यादा आपका ब्रांड चीप होता जाएगा। इसका एक रीजन है, लोगों का इंटरेस्ट आप में खत्म होना शुरू हो जाता है। खत्म, टाटा, बाय बाय, गया। बट अगर आप अपने आप को स्केयर बना देते हो कुछ टाइम के लिए, तो आप फिर से रिस्पेक्ट और वैल्यू गेन कर सकते हो। जब अचानक आप लोगों के बीच से हट जाते हो कुछ दिन के लिए और एलोन हो जाते हो, लोग ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू उन्हें रियलाइज हो जाती है। अकॉर्डिंग टू स्कार्सिटी प्रिंसिपल, प्राइस उसी का बढ़ता है ज्यादा जिसका सप्लाई कम होता है और डिमांड ज्यादा रहता है। इसका एक एग्जाम्पल है, ये जो लग्जरी ब्रांड्स होते हैं वो अपने ही आउटडेटेड प्रोडक्ट्स को आग लगाकर जला देते हैं। इसका रीजन है वो ज्यादा सप्लाई देना नहीं चाहते, और अगर वो डिस्काउंट पर अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं तो उनके ब्रांड और स्टेटस को ये बहुत अफेक्ट करेगा। उनके ब्रांड की डिमांड बनी रहे इसलिए वो खुद के ही प्रोडक्ट को जलाकर सप्लाई खत्म कर देते हैं। पॉइंट नंबर 5, किसी भी प्रकार लोगों का विश्वास जीतिए। मनुष्य का मन बेहद सरल होता है और उसका विश्वास जीतना भी बेहद आसान होता है, क्योंकि उसके अंदर विश्वास करने की तीव्र इच्छा होती है। अगर आप मनुष्य का विश्वास जीत जाते हैं तो उसके लिए आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल हो जाते हैं। विश्वास का मतलब ही है कि सामने वाले को यकीन दिलाना कि आपसे अच्छा इंसान उसके लिए कोई हो नहीं सकता और आप उसका हमेशा साथ दोगे। इसके लिए सॉफ्ट इन्फ्लुएंस टेक्निक का इस्तेमाल आप कर सकते हो, जैसे ब्रांड्स बार बार अपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस को बता बता कर आपके दिमाग में घुस जाते हैं। उसी तरह, नहीं समझे, समझाता हूँ। एक गोल्ड डिगर लड़की एक अमीर से मिलती है। उसका विश्वास जीतना आसान नहीं था, लेकिन उसे जीतना था। ये लड़की उस लड़के से बात करते हुए अपने कैरेक्टर के स्पेसिफिकेशंस को इस तरह बताती है, इस तरह रिपीट करती है कि लगता है उसको कि इससे अच्छा कोई लड़की हो ही नहीं सकती। जैसे कि वो बातों बातों में ही बार बार उसे कहती है, मैं सिर्फ एक लड़की के लिए लॉयल रहूंगी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, मैं कभी ड्रिंक नहीं करती। वो खुद को बार बार सामने वाले को इस तरह प्रेजेंट करती है कि वो बहुत अच्छी है और उससे अच्छा उसे कोई मिल ही नहीं सकती। दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग टेक्निक, और यही टेक्निक इस्तेमाल किया गया है ये साली आशिकी मूवी में। उसमें भी गोल्ड डिगर लड़की होती है एंड लड़कियों को इस तरह ही इन्फ्लुएंस करती है। सामने वाले को बहुत ही इजीली यकीन हो जाता है, क्योंकि जो चीज हम बार बार सुनते हैं उस पर हम यकीन कर लेते हैं। तो इस तरह आप लोगों को यकीन दिला सकते हो सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग टेक्निक के थ्रू। तो इस तरह आप वैल्यू गेन कर सकते हो और वैल्यूएबल बन सकते हो लोगों के लिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो यार, देख रहे हो पसीना, लाइक करो। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर से दबा लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।